प्रदेश के हरदोई के टडियावा इलाके में 5 अप्रैल को महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने यह स्वीकार किया है कि उसने दुष्कर्म करने के बाद महिला की साड़ी से उसको मुंह में ठूसकर उसकी हत्या कर दी थी। बताया गया है कि महिला ने युवक को छेड़छाड़ के फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसने महिला को पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। टडियावा थाना इलाके के एक गांव में 40 वर्षीय महिला शनिवार को दिन में ईंधन के लिए लकड़ी बीनने निकली थी। इसके बाद वापस न लौटने पर परिजनों ने महिला की तलाश शुरू कर दी। 5 अप्रैल रविवार की सुबह गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक बाग के पास खेत में महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला था और साड़ी से मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मौके पर एएसपी त्रिगुण बिसेन भी पहुंचे थे। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इसी बीच पुलिस को कचियनपुरवा गांव के रिंकू की भूमिका संदिग्ध लगी, तो पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में रिंकू ने पहले इधर उधर की बातें बताई, लेकिन पुलिस हिरासत में जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एएसपी त्रिगुण बिसेन के मुताबिक रिंकू ने पुलिस को बताया कि महिला उसके बाग में लकड़ी काट रही थी। जब उसने मना किया तो महिला ने धमकी दी थी कि वह उसके साथ छेड़खानी के मामले में उसे जेल भिजवा देगी। इस धमकी से परेशान होकर उसने उसे वहीं बाग में पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसी की साड़ी से मुंह में उसके ठूंस कर उसकी हत्या कर दी। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 4 तारीख को एक महिला जो है अपने घर से निकली थी लकड़ी बीनने के लिए, जब नहीं आई तो दूसरे दिन जो है उसकी लाश खेत में जो है मिली थी, ये कचियनपुरवा के खेतों में। तो उसमें फिर पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज करके हत्या की विवेचना शुरू करी गई तथा उसी क्रम में जो है पुलिस के द्वारा एक रिंकू पुत्र दुली चंद, जो कि कचियनपुरवा का रहने वाला है, उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया तथा ये बताया कि वो उसके खेत में चूँकि लकड़ी चुन रही थी तथा उसकी कुछ गेहूँ की फसल भी बर्बाद हो गई थी, तो उसी पर कुछ कहा सुनी हुई और उसी के क्रम में उसने जो है उसकी साड़ी के पल्लू से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.